सिटी जर्नलिस्ट की खास पेशकश जहांगीरपीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड नकद या आसान अक्सात पर। जलनगर मलकपेट कांस्टिट्यूंसी के अंदर जो आता है मलकपेट पुलिस स्टेशन लिमिट्स में, यहां से 20 जानवर को 20 बैल को जो यहां से पुलिस कोई गौ रक्षक समिति दिल्ली से कोई लेडी वगैरह जो ट्विटर वगैरह पे कंटिन्यूस कंप्लेन कर रहे थे उनकी कंप्लेन के बिना जो पर ये लोग लेकर गए। उसके बाद हमने एनिमल हस्बेंड्री से बात की, बात कर कर सर्टिफिकेट मिलाई, पुलिस ने केस बुक कर ये तमाम जानवर को यहाँ से लेकर गए थे। वो केस के खिलाफ में हाईकोर्ट में हमने रिट करी, हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि इमीडिएटली जानवर को रिलीज कर दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल के रात आज रात में आज सुबह फजर के वक्त ये तमाम जानवर को रिलीज कर वापस लेकर आ लिए है। इसमें अहम बात यह है कि हमारी रिट के अंदर हमारी दो अपील है, दो हमारी मंजिस की जानिब से जिन्होंने ये रिट को दाखिल किया उन्होंने उसके अंदर प्ली में दो चीज़ गुजारिश लगाई कि एक तो ये पकड़े सो बैलों को जिसका सर्टिफिकेट है कि वो बैल ना ज़िराअत के काबिल है ना ब्रीडिंग नस्ल कशी के ना ब्रीडिंग के काबिल है, तो लिहाजा इसको ये तो हाईकोर्ट ने इमीडिएट डायरेक्शन दिया पुलिस इंस्पेक्टर मलकपेट को कि सर्टिफिकेट्स लीजिए लेकर इनका जानवर को रिलीज करिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह जानवर रिलीज होकर आ गया है। अब ये देखना कि हम और एक रिट जो डाले हैं, ये रिट के अंदर और एक प्ली जो है उसके ऊपर जजमेंट कोर्ट ऑनरेबल हाईकोर्ट को उसके ऊपर जजमेंट देना है। उम्मीद है कि हमारे मंशा माफी खाएगा कि पुलिस का इसके अंदर कोई रोल नहीं है, पुलिस को इसके अंदर कोई राइट नहीं है कि पुलिस डायरेक्ट आकर अगर से किसी गौरक्षक को गौरक्षक समिति को या किसी को भी अगर शिकायत है कि अगर से गैर कानूनी तौर पे हो रहा है, बाजार के अंदर बाजाब्ता फार्मर्स लेकर आकर बेच रहे हैं और फार्मर वही जानवर को बेचता है जो जानवर उनको ज़िराअत के अंदर खेती बाड़ी के काम में ना आए, तो बाजार के अंदर बाजाब्ता खरीद कर छिट्टी के साथ दे रहे हैं। अगर किसी को शिकायत है तो एनिमल हस्बेंड्री को करना चाहिए और एनिमल हस्बेंड्री अगर से जो चीज़ अगर से बैल को काटना जो बैल ज़िराअत के और ब्रीडिंग के काबिल है वो बैल को अगर कोई काटता है तो आप उसको आप उन्हें जुर्म होगा। नहीं, काटने से पहले आप आके पुलिस वाले आके लेके चले जा रहे हैं, जुर्म से पहले लेके चले जा रहे हैं। अगर वो एनिमल हस्बेंड्री का काम है कि अगर से कंप्लेन हो जब बेच रहे हैं तो जब ही उनको सर्टिफिकेट के साथ बेचना चाहिए कि ये ज़िराअत के और इसके काबिल नहीं है, लिहाजा इट इज फिट फॉर स्लॉटर बोलकर बेचना चाहिए। आप बगैर उसके आप तो एक बेच दे रहे हैं। और हमारे ताजिरां भी एक अजीब है कि भाई आप जब लाखों रुपए देकर आप जानवर खरीद रहे हैं जिससे फार्मर को इकोनॉमिकल सहूलत हो रही है, तो आपका भी काम है कि जब वो बेच रहे हैं तो उनको बोलिए कि भाई ये सर्टिफिकेट के साथ बेचिए आप। तो बहरहाल उसके बावजूद भी अगर से इसके कोई अगर से कोई कंप्लेन करता है तो ये एनिमल हस्बेंड्री को कंप्लेन करना चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री के डिपार्टमेंट के लोग आके चेक करना चाहिए कि जो जानवर इन्होंने लेकर आए हैं क्या वो अनफिट फॉर ब्रीडिंग और अनफिट फॉर रेयरिंग है। उसके बावजूद भी अगर से कोई करता है तो उनका काम है कि पुलिस को के अंदर FIR कराए या कुछ कराए, डायरेक्ट पुलिस आकर ले रही है पुलिस का काम नहीं है। हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना शोभा है, चाहे वो GHMC के अंदर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है तो GHMC देखता है, पुलिस नहीं देखती। देखिए बुलडोजर लगा कर लेकर गए बोले तो जानवर उस दिन रात में नहीं चढ़ रहा था, तो हम ही ने कहा कि भाई जानवर को नुकसान नहीं होना, अगर जानवर को ताकत से उठा के करके वो कराएंगे, अगर खुदा ना खास्ता अगर से जानवर का हाथ टूट गया, जानवर का भी हाथ टूट गया तो उन्हें कुर्बानी के काबिल नहीं रहता ना। तो इसलिए उसको जानवर को जैसा लेके जा रहे हैं वैसा छोड़ना पड़ेगा बोलकर बोलने की वजह से गड़ा वगैरह करके GCP से जानवर को चढ़ाया गया, नहीं तो अगर से जानवर का भी अगर हाथ टूट गया तो उन्हें कुर्बानी के काबिल नहीं रहता। देखिए हम बैल जब पकड़े गया तो एक अवामी नुमाइंदगी होने के हिसाब से अल्लाह ने अखले सलीम दिया, हम नुमाइंदगी करे और नुमाइंदगी में कामयाब हुए, कानूनी हिसाब से हम काम करे और कामयाब हुए। बैल पकड़े गए, हम तो बैल नहीं है ना, हम तो इंसान के हिसाब से इंसानियत के हिसाब से इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, दिमाग दिया तो उस हिसाब से काम करना पड़ेगा।
ना कि गड़बड़ करा दें, झगड़ा कर दें, हमारे 4-10 बच्चों को केसों में बुक करा दें, उससे तमाशे से तो कुछ हासिल नहीं है ना। तो बहरहाल हमने ये जो नुमाइंदगी की थी, जो कोर्ट में केस डाला था, उसके अंदर ये रिलीफ हमको मिला। हमारा जानवर, यहाँ के लोगों का जो जानवर गया था, वो जानवर वापस मिला है। और मजीद हमारी जो प्ली है कि पुलिस इसके अंदर मदाखलत ना करे, एनिमल हस्बेंड्री का मामला है ये, अगर से कहीं कुछ होता है तो एनिमल हस्बेंड्री के लोग आकर चेक करें कि वेदर एनिमल इज अनफिट फॉर रेयरिंग, अनफिट फॉर ब्रीडिंग, तो उनका काम है वो चेक करना, उसके हिसाब से उन्होंने रिपोर्ट देना। अगर उसके उनके खवानीन के खिलाफ अगर से जानवर मिलता है तो जब उनको ये कार्रवाई कर सकते हैं। डायरेक्ट पुलिस आकर ये हरासमेंट करना नाजेबा है, नावाजबी है और गैर कानूनी है। माशाल्लाह।